सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th चैप्टर 2 मैं स्टार्ट कर चुका हूँ पहले ही। इलेक्ट्रिक टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज है ओ पॉइंट पर प्लस क्यू और मुझे पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। कितना है? ओपी, जो कि आर है, ये लिखा है ओपी इज इक्वल टू आर। ओके, हमको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके चारों तरफ जनरेट है, हो ही चुकी है, आप जानते ही हैं। इसी लाइन की सीध में मैंने दो पॉइंट लिए ए और बी। मान लीजिए कि यहाँ मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या रखता हूँ? यूनिट ले लेता हूँ। यूनिट का मतलब वन होता है। क्यू नॉट में ले रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पर। तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसी को बढ़ा के इन्फिनिटी कर दिया। ओके, तो जब मैं उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाऊंगा, ए से बी का जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉलर है, कितना है? डी एक्स। और मैं इस फोर्स के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना मुझे ए से बी तक लाने में। जो ए पॉइंट है इसका डिस्टेंस मैंने ओ से कितना ले लिया है? एक्स। ओपी आर पहले ही बता चुका हूँ, ए पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है, तो ए से ये एक्स है, तो ए से बी तक लाने में बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है डी एक्स। तो जब छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कर रहा हूँ तो वर्क डन भी क्या होगा? बहुत स्मॉलर होगा। तो जब वर्क डन स्मॉलर होगा तो वो मैं डी डब्ल्यू से डिनोट कर लूंगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लेते हैं इस सोर्स चार्ज के कारण। मान लीजिए क्यू चार्ज था, ठीक है ना, तो क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इसके कारण क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई। अब आइए, जो वर्क डन जो छोटा सा करना पड़ा था इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने में, तो वर्क डन क्या होगा? नाइन्थ क्लास से पढ़ाया जा रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब इधर देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, एफ इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू, टेस्ट चार्ज यानी वन है, वन यूनिट चार्ज लिया, और ई, तो एफ इज इक्वल टू यानी फोर्स क्या हुआ? ई हो गया एक तरीके से। कितना हुआ? ई। तो वर्क डन होता है फोर्स, तो फोर्स आ गया ये ई वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी एक्स। बच्चों ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म लिया हूँ, E का डायरेक्शन ये है, dx का डायरेक्शन ये है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है, क्योंकि तुम इधर से इधर मूव कराए हो, तो ये एंगल कितना हुआ? व्हाट अबाउट दिस, E और dx के बीच का वो एंगल हुआ 180 डिग्री का, हुआ ना। तो अब dw इक्वल टू क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट करो, स्केलर प्रोडक्ट, 11th क्लास में पढ़ा है, a डॉट b वाला, ए बी cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? a dx cos 180, क्योंकि इनके बीच का एंगल है 180, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, जब यहां रखोगे तो रिजल्ट मिलेगा dw is equal to minus e dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ कम टू द पेज नंबर 2, समझ लीजिए अच्छी तरह से। therefore total work done in moving the unit positive charge, यूनिट है याद रखना, फ्रॉम इंफिनिटी। अब मान लीजिए अभी तो a से b तक लाए थे, अगर उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट p तक लाएं तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमको जो इक्वेशन नंबर 2 अभी बनाई थी उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अंडर प्रॉपर लिमिट। उसका इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का अंडर द प्रॉपर लिमिट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e dx जो अभी निकाला था। ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट। ओके, नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है ना कि ऊपर से नीचे, इंफिनिटी टू r। e की वैल्यू एक नंबर इक्वेशन से उठा के ये रख दीजिए, प्लेस कर दीजिए, ये 1/4πε0 माइनस और क्यू को बाहर कर दीजिए, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, एक्स की स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन मैंने 11th में पढ़ाया था क्या होता है एक्स की पावर एन का, ये देखिए एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। याद आया? याद आ गया होगा। चलिए, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन वन अपॉन माइनस क्यू अपॉन 4πε0 और इंटीग्रेट कर रहे हैं इसी फॉर्मूले से, तो x की पावर n है यहाँ माइनस टू, x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट लगाओ इन्फिनिटी टू r। ओके, अभी क्या हो गया? ये माइनस वन हुआ, तो ये माइनस वन आ गया, ये x की पावर माइनस वन।
अभी इसको कैसे लिख सकते हैं जबरा में, माइनस वन अपॉन एक्स, ये हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है फिर माइनस करके लोअर लिमिट, यानी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन अपॉन एक्स की जगह आर, अपर लिमिट अप्लाई की माइनस, फिर माइनस वन अपॉन एक्स, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी। ये अगले स्टेप में इन्फिनिटी से किसी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो बेटा जीरो मिलता है, आपको पढ़ाया मैंने। आइए तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई आर, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, वन ही नहीं किसी भी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो। अब और डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई माइनस माइनस ये प्लस हो गया बेटा, तो माइनस सॉरी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर एडजस्ट कर दीजिए। देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यह डेफिनेशन। तो V इक्वल टू W की जगह ये वैल्यू रख दीजिए तीन नंबर से, चार्ज आप यूनिट चार्ज लेके आए थे इन्फिनिटी से, तो ये वन हो गया, तो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों कितना आ गया, V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये सोर्स चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। थैंक यू।